नमस्कार दोस्तों, निफ्टिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक डिप भी आया, उसके बाद फिर से दोबारा से शॉर्ट कवरिंग उसी लेवल के ऊपर मिली और शानदार हमें रैली एंजॉय करने को मिली। उसके बाद अगर हम आए मिड कैप पे, तो मिड कैप मैंने कहा था कि इसे इग्नोर कीजिए और जहाँ तक हो सके इसमें बिल्कुल भी झांकिए भी मत, देखिए भी मत मिड कैप ने, क्यों मिड कैप निफ्टी का चार्ट काफ़ी ख़राब है। तो क्या जरूरत है, जब तीन तीन इंडेक्स इतने बढ़िया रन दे रहे हैं तो उसी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम गोल्ड पे आए तो यहाँ आपको बताया था कि ये सपोर्ट का काम करेगा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस की ओर जाता हुआ नजर आएगा, तो वही जा रहा है, 22,120 की ओर जाता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। क्योंकि जो फेड रेट कट कम किए हैं, अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो पैसे से गोल्ड खूब खरीदा जाएगा। और उसके बाद 84,000 पे जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है और ऊपर रेजिस्टेंस 85,350 हमें नजर आ रहा है। मिड कैप निफ्टी का प्राइस एक्शन इसमें वैसे आप इग्नोर कीजिए इसमें, पर फिर भी जो जिद्दी ट्रेडर हैं उनके लिए बता देते हैं कि नीचे सपोर्ट है 12,852-900 का एरिया, ये अच्छी खासी सपोर्ट है। ऊपर के लेवल 950-13,108 रहेगा। ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। और ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 13,350 के ऊपर ही, 350 के ऊपर, 13,350 के ऊपर जैसे ही आया फिर एक इसमें भी एक आंधी शुरू हो जाएगी। वो आंधी में ऊपर ऊपर के कौन कौन से रेजिस्टेंस वो भी नोट कर लीजिए, 385, 460, 620, 660, ये 600 to 660 का एरिया, 650 का ये जो जोन है ये हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो इससे आपने बच के रहना है। उसके बाद अगर हम आए फिन निफ्टी पे, तो फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन ये कहता है कि 24,500-550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, और ऊपर अगर कोई डिप भी आता है तो वो बाय ऑन डिप हो चुकी है मार्केट। ये एरिया फिर से आपको दिख सकता है कि यहाँ बाइंग आती हुई, और नीचे 24,390 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मतलब जब तक 24,390 नहीं टूटता मार्केट बाय ऑन डिप है, और ऊपर की ओर 24,700, 775 और 900 इसके इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ध्यान रहे ऊपर 25,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो लोग कॉल होल्ड करके गए हैं, अगर 25,910 या 990 के आसपास गैप अप मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर 25,000 ही क्रॉस हो गया तो 25,145 फिर नेक्स्ट ट्रिगर होगा जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको नज़र आ सकती है। ध्यान रहे शॉर्ट कवरिंग तभी बनेगी जब 25,160 के ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन होगी, तब जाकर आपको फिर, पर ये शॉर्ट कवरिंग काफ़ी छोटी होगी। कारण ये है कि 25,000 पे जो कॉल राइटर है वो काफ़ी कम है, अगर ज़्यादा होगा तो वो पैसे गंवाने वाले जितने ज़्यादा होते हैं उतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी में देखा, बैंक निफ्टी में बार बार कॉल राइटर आ रहा था तो वहाँ उसको लूटने के लिए बुल्स अच्छा खासा खूब कमा के गए हैं और बेयर्स को खूब लूटा है, तो पैसे गंवाने वाला कोई ना कोई जरूर चाहिए। यहाँ पे अभी कम है पैसे गंवाने वाले, 25,000 जो कहते हैं कि मार्केट बर्बाद हो जाएगी, नीचे चले जाएगी, ये 12,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, तो वो लोग जब तक कॉल राइट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे ना, तब जाके हमें अच्छी ऊपर की कमाई होगी। तो 25,200-300 तक ही आपको रन मिलेगा, मतलब 100-150 पॉइंट का। हाँ, अगर यहाँ से बार बार गिरे फिर उन्हें लगेगा कि भैया मार्केट तो गई, फिर शॉर्ट पड़ेंगे यहाँ पे, फिर उसका फ़ायदा बुल्स उठाएंगे और ज़बरदस्त एक रैली फिर आपको दिखाई देगी, फिर 300, फिर 400, 500 मिल जाएगा। पर बात तो ये है कि पैसे गंवाने वाले खूब आने चाहिए ऊपर, जितना कॉल राइटर ज़्यादा आएगा उतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमेशा आती है, ये मार्केट का रूल है। तो आइए अब आते हैं रुपये पर। तो रुपया बड़ी जल्दी तेज़ी से मजबूत हो रहा है और 83.57 मैंने 55 बताया था ये लेवल, कि अगर ये टूट गया तो तेज गिरावट दिखेगी, तो आ गई नीचे। अब सपोर्ट 83.40 के पास, मैंने आपको कहा ही था कि अब रुपया तेज़ी से मजबूत होगा क्योंकि क्रूड सस्ता हो गया है, जितना क्रूड सस्ता होता है हमारा रुपया उतना मजबूत होता है, और जैसे ही 83.40 टूटेगा ये वाला लेवल तो और ज़्यादा तेज़ गिरावट आएगी। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगी वो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट है यहाँ 83.126 के आसपास। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस
सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।